भैया एक मिनट, एक मिनट चालू हो जा रहा है। देखिए कांस्टेबल आयुष कुमार है जो क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था। सुबह आज सूचना मिली यूपी 100 की गाड़ी को कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, संभवतः व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी सूचना पे चौकी इंचार्ज पहुँचे, उसके बाद इंस्पेक्टर पहुँचे। जब बैग की तलाशी ली गई तो पता चला कि इसके पास एक कांस्टेबल का आई कार्ड निकला है और फिर उसी के रूप में आइडेंटिफाई हुआ। ये कांस्टेबल आयुष कुमार था जो क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था यहाँ पर, और आज उसकी बॉडी यहाँ पर मिली है। आसपास के लोगों से, बाकियों से बात की गई है, अभी कोई और साक्ष्य इसमें नहीं मिला है। फोरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है, फोरेंसिक टीम अपने साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। बाकी जो हमारे सर्विलेंस के लोग हैं और क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो भी इनके घर वालों से और इनके मिलने वालों से बात करके प्रयास कर रहे हैं। पूरी घटना को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और क्राइम ब्रांच से हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम का प्रयास कर रहे हैं। इसका मोटरसाइकिल यहाँ पर मिला है, पर्स मिला है, मोबाइल्स मिले हैं, बैग मिला है, और ये इसके साथ इंसिडेंट हुआ है जिसमें इसमें कनपट्टी पे गोली लगी है। एंट्री और एग्जिट दोनों वुंड्स हैं। सर, क्या मौत के कारणों का कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी सब चीज़ें प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि इसकी मोस्ट लाइकली इसकी पिस्टल अभी मौके पे हमें नहीं मिली है, क्योंकि बहुत ये घटना संभवतः या तो अर्ली सुबह की या लेट रात की होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद काफ़ी आमद रफ्त यहाँ पर हो गई है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पर हमने आसपास के लोग जो हैं यहाँ रहते हैं उनसे सबसे हमारी टीमें पूछताछ करेंगी और इसमें कुछ प्रॉपर साक्ष्य मिलेंगे। सर, एक सुसाइड नोट मिलने की सूचना, उसमें क्या निकला है? सर, देखिए सुसाइड नोट अभी तो जो भी चीज़ें मिली हैं फॉरेंसिक टीम के पास हैं, उनको इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो हमारी है वो प्रॉपरली एग्जामिन करेगी और सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो भी दस्तावेज मिले हैं या अगर कोई नोट भी मिला है तो इसकी तरफ से है, क्या है, उसमें क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जामिन की जाएंगी। सर, कहाँ गोली मारी है? कनपट्टी पर गोली लगी हुई है और एग्जिट वुंड भी है। सर, कुछ यहाँ पर मोबाइल वगैरह जले हुए मिला था? हाँ, कुछ उसको देखना है हमें, इसीलिए फॉरेंसिक टीम